अगर मनुष्य अपने दिल व दिमाग को बिना असमंजस में डाले संतुलित कर ले तो शरीर स्वस्थ, मस्तिष्क अपनी मंजिल व दिल हमेशा आनंदित रहेगा। तो रसिको, प्रस्तुत है असमंजस मरण के पहले। आज बहुत खुश हूँ मैं, 45 साल बाद मैं आजाद होने वाली हूँ। बस कुछ ही सन में मुझे इस टूटे फूटे प्रताड़ित शरीर से आजादी मिलने वाली है। पर व्यथित हूँ मैं, न जाने मुझे कौन सा चोला फिर पहनना होगा, न जाने किस जीव के शरीर में मुझे फिर जाना होगा, फिर एक बार मुझे बंदी बननी पड़ेगी। परंतु इतने वर्षों से मैं जिस शरीर में थी वो शरीर वो तो अभी मातम बना रहा है। चुप करो, चुप हो जाओ, चले जाओ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हे, आई एम ब्रेनी एंड आई एम सबकॉन्शियस ब्रेनी। उगा कहते हैं मस्तिष्क, निकनेम भेजा। हाँ हाँ ठीक है, मैं मस्तिष्क, निकनेम ब्रेनी। एनी प्रॉब्लम विद मी? हाँ है, उनका प्रॉब्लम। हु द हेल आर यू? ओ सॉरी सॉरी, अपन इंट्रोडक्शन देना तो बुला गए। हम हैं हृदय। यू मीन हार्ट, हृदय? बट व्हाई डू यू लुक सो डिफरेंट? उका है कि तू दोनों मिलके हमका इतना कंफ्यूज आए दिए कि हमका कुछ समझ नहीं आया कि कौन से गेटअप में आए। वॉट एवर, सो यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी? हाँ है, हमका प्रॉब्लम है, शिकायत है, परेशानी है, पर हम कहा करें? अरे कौन ऐसे करे शिकायत कि हमरी कौनो सुनत नहीं था। अरे सुने हो कबो हमार? What rubbish! हर बार मैं ही होता हूँ तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए हमेशा सिर्फ मैं। Do you understand that? तो काहे नहीं सुनते हमरी? सही तुम्हारी तो कोई सुनता ही नहीं, तभी तो कच्ची उम्र के मासूम शरीरों को अपना शिकार बनाते हो। याद है मेरा बचपन, छोटी सी थी मैं, क्या कसूर था मेरा, क्या गलती थी मेरी। बड़ा शौक था ना तुम्हें सजने संवरने का, इन्हीं हाथों से, इन्हीं नन्हे नन्हे हाथों से माम बिंदी लगाते, अच्छी ना लगती तो पूछते, फिर लगाते, रोज से पूछते, लगाते पूछते मेरा सारा बचपन खेल कूद सजना संवरना मार खाना न जाने किन किन चीजों में निकाल दिया। अरे तो फिर क्या हुआ? थोड़े दिन मौज मस्ती कर ली तो याद है वो खेला? आओ मीना खेले खाले कच्चा धागा रेस लगा ले, देसी कच्ची मोनी की बच्ची, मोनी गई पानी को पकड़ो सी नानी को, नानी गई भिंडी भिंडी लाई भिंडी। जो तुम कहते वो मैं करती, करना ही पड़ता, लेकिन जो तुम कहते वो ये मुझसे करवाता, क्योंकि तुम दोनों तब दोस्त थे ना और मस्तिष्क तब अपना बचपन जी रहा था।
जो कहते हैं वो ये मुझसे करवाता और माँ से मार मैं खाती। मैं खुश रहती थी ना, सब कुछ भूल जाती थी, क्योंकि तब तुम्हारी और मेरी तरह मस्तिष्क भी अपना बचपन जी रहा था। तुम दोनों अपनी मध्य गति में खुश रहते और मैं पर एक बात बोले, जब तुमका मार पड़त रही सबका ऐसा लगत रहा जैसे कोनो हमारा गला घोटत रहा। ऐसा लगत रहा जैसे हमार चाल रुकी जात हो। घुटन बहुत ज्यादा घुटन। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन। मंजिल पर तो मुझे पहुंचना था, फिर तुम क्यों मेरा बोझ उठाए लखड़ाती फिरती थी? मस्तिष्क। रेनी। पूछा तुमने? तुम ये पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों चलती हूँ? अरे गुलाम हूँ मैं तुम्हारी। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों, अच्छी नहीं लगी बात? देखी है कभी गुलामी? हुए हो किसी के गुलाम? अरे हमेशा सही तो अपने मनमानी की है। तुम दोनों ने नहीं सकी, ऐसा तो नहीं है। तू तो हमार संगी है, हमार साथी है, तो हार बिना तो हमार कोनो औकात ही नहीं है। अरे हम तो तुहार दुख सुख सब बांटत रहे। हे स्टॉप दिस मेलोड्रामा। हार, डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स आई बीन स्टक इन टफ सिचुएशंस बिकॉज़ ऑफ यू? डू यू इवन नो दैट? डू यू इवन रियलाइज इट? नाश काले विपरीत बुद्धि। उपा कहते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। What? कुछ नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम तो अपनी द्रुत गति में विपरीत दिशा में फिरते रहते हो। सोचा है कभी भार भटका कर मुझे गलत रास्तों पर ले गए हो? अरे काहे इतना बहस करो, तो का सही का गलत वो जाने। हाँ, सही गलत से तुम्हें मतलब क्या है? क्या तुम्हें तो आता है ना मस्तिष्क के इशारों पर नाचना? तुम आहत होते हो तो तकलीफ मुझे होती है, खुश होते हो तो सहना मुझे पड़ता है। मस्तिष्क का क्या, ये तो अपनी द्रुत गति में जहां तहां फिरता रहता है। हमेशा हम दोनों को संतुलित करने की कोशिश करता है। यू कैन हैव दैट पेन किलर, वैसे भी मेडिसिन का टाइम हो गया। यही तो करते आए हो तुम। जब भी तुम दोनों की वजह से मुझे कोई तकलीफ हुई है, तुमने यही किया है। दवाई गोली सिरन सिरा मरहम, न जाने क्या क्या, इन्हीं सब चीजों के भरोसे मदद जिंदा रखा है। मशीन हूँ मैं, तुम दोनों के लिए मैं सिर्फ एक मशीन हूँ। Oh, excuse me. So what? That's not my fault, okay? Remember that day? How much I tried to persuade you, convince you, but you didn't listen to me. You listened to this dumb organ. और एक stupid से motion के लिए तुमने suicide attempt कर लिया? देख ले यार अपना, तोड़वा ले हाथ पाँव। खैर, गलती मेरी ही थी, जो तुम्हें first floor से कूदने का suggestion दिया। सातवें आठवें floor से कूदने को बोलता, तो फट से हम तीनों को मुक्ति मिल जाती। हाँ हाँ, ठीक है। तो काहे सुने हमरी? काहे गड़बड़ा दी अपनी ही चाल? अब तुम्हारी चाल गड़बड़ाएगी तो क्या कहते हैं? डिसीजन। हाँ डिसीजन, डिसीजन तो हम ही कल एक पड़ी। इश्क होती ऐसी चीज है। वाह, हाँ इश्क होती ऐसी चीज है। आ गया समझ? बड़ी जल्दी समझ आ गया। समझ हमको बहुत पहले ही आ गया था। कब? जब इसे आत्महत्या करने के लिए बोला था तब? नहीं, फिर कब? कब समझ में आया? जब इसे मरने के तरीके बता रहे थे तब? हाँ ब्रेनी, जैसे सारी गलती हमारी है, भुलाए गए।
तू ही तो एका मरने को बोला रहा। What? मैंने बोला था? हाँ, मैंने? तूने? बोले रहे, हम तो दुखी थे, बहुत दुखी। मैं तो कछु समझ नहीं आ रहा था, का करे का ना करे, और तो ना साथ देने की बजाय तो मरने के न जाने काका सजेशन देने लगे। मैंने सिर्फ कूदने के लिए बोला था, वो भी फर्स्ट फ्लोर से। बहुत बढ़िया किया सुधाकर। हटाओ बस तो कहीं कम से कम। ए ब्रेनी, बुलाए गए तो एका कैसे कैसे बहकाया रहा। तू तो एका जहर खाए का बोलत रहा, फांसी का फंदा बनाना सिखावत रहा। अरे वो भी ना हुआ तो चाकू से नस काटन जात रहा। डरपोक ना होते तो ना जाने कब का खेला खत्म हो गया। अच्छा तुम डरपोक हो, तब तो बड़ी हिम्मत थी ना जो चोरी चोरी इस लड़ाने के लिए इतने उतावले थे। एक नहीं हजार बार बोला था मैंने, लेकिन नहीं तुम्हें तो कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ तो काहे सुने तुमरी, काहे सुने तुमरी। साहित्य की भेजा माँ वही याद है जो ही समाज भरत है। जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सब तुम्हारी पद है। ना ही होता, ना ही होता, न कमाओ कौनों दे आत्महत्या करने की कोशिश करती, और ना ही कमाओ कोई रुपया सारा जीवन घुटन में जीती। अपनी बात करो, सिर्फ अपनी, डोंट टॉक अबाउट योर होल कम्युनिटी। तुम्हारी सारी कम्युनिटी का ठेका नहीं ले रखा है मैंने, डरपोक कहीं के। हाँ है हम डरपोक, डरपोक ना होते ना तो तुम दोनों को अपनी चुटिया के इशारे पे नचाते और मैं नाचे लेता। कह रहे हैं हमका फालतू में दोषी नहीं ठहराओ। तो ठीक नहीं हुआ, क्या कर लोगे, कर ही क्या सकते हो। गलती हमेशा से यही तो करते आयो, इसलिए तो ये सब होता आया है। ना प्यार मिला ना परिवार मिला, तो बस बैसाखी का सहारा। जिंदा तो हो डिस्पाइट मी रनिंग इन माय फास्टेस्ट स्पीड एंड दैट टू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आई हैव सेव्ड यू। हां थोड़ी टूटी फूटी हो पर जिंदा तो हो। जिंदा तो है हम तीनों, लेकिन अभी भी अपने बीते हुए कल के चक्रव्यूह में फंसे हुए, निकलना ही नहीं चाहते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है, पर हमने बहुत कोशिश की। हमने भी, पर जितना भी समय है हम सब एक साथ बिता सकते हैं, पर अपनी अपनी गति में। दे तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो और हम दोनों तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के वो पल दिखाते हैं जिनमें तुम बहुत ज्यादा खुश थी। याद है तुम्हें जब पहली बार प्यार हुआ था? तुमसे जीवन में पहली बार किसी ने इतनी तहजीब से बात करी थी। जबी दे फर्स्ट फ्लोर से कूदी रही, तब न जाने कितने दिन तक पलंग से उठ पैर नहीं करी। उस समय हम बहुत दुखी हो गए रहे, काहे से कि तुम भी हमारे साथ छोड़ दिए रहो। hey, I'm sorry. वो हमारे लिए भी बहुत बुरा समय था। उस समय ऐसा लगा कि वो मेरा अंतिम समय है,
तुम दोनों ने न जाने कैसे तैसे करके मुझे बचा ही लिया। मस्तिष्क तुम ब्रेनी। हाँ वही, परेशान हो गए थे ना तुम, तुम्हें लगाव तो बहुत है मुझसे, काफी ख्याल रखते हो तुम मेरा। भले ही ये दवाई गोलियां खिलाकर रखना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट समटाइम्स आई डू नीड बैकअप जो मुझे तुम दोनों से मिलता है। तो हमेशा से तुम दोनों के मित्र रहे। काश कि तुम हम दोनों के साथ बड़ी ना हुई होती। हम तीनों का बचपन कितना अच्छा था। ये मस्तिष्क तो हमेशा से ही देखता फर्स्ट बहुत फर्स्ट जाकर भी तो हर साथ में दे पा रहे, पर अब ऐसा लागत है कि हम कभी तो हमारे चाल रुका था। हमका बचा लो प्रेमी, हमका बचा लो, हम कभी छू रहा, हम मर जाए प्रेमी, हमका बचा लो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावक ना चैनम क्लेदन त्यापो ना शोष्यति मारुतः। अमर हूं मैं, अजर अमर, पर हर एक जीव के शरीर में आजादी किसे अच्छी नहीं लगती। हर कोई आजाद रहना चाहता है, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी नाले अग्नि बरखा ये धरा ये गगन ये पवन गरज सब का सारा ब्रह्मांड सब आजाद रहना चाहते। मनुष्य भी, पर क्या मनुष्य आजाद है? अपने ख्वाबों से, अपने विचारों से, अपने दिल से, अपने शरीर से। खैर ये सब सोचना मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ पर आप सब जरूर विचार कर सकते हैं। मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं एक नए उमंग भरे शरीर को धारण करूंगी। बात इस घर की ऐसी रीत है, एक आवाज